और हालेलुया सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आज की इस शिक्षा के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुके हैं। और आज की शिक्षा है कि जैसे हम बुद्धि की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना करते हैं, और ये बुद्धि की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना क्या है, तो आज हम सीखेंगे समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि जो लोग प्रार्थना में कमज़ोर हैं, जब वो भी इस बात को सीखेंगे समझेंगे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर, जैसे हम बाइबल बताती है कि हम एक एक करके सब मसीह के अंग हैं, और मसीह की देह कब उन्नति पाती है, जब हम दूसरे अंगों की उन्नति करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर इस प्रार्थना के इस विषय के बारे परमेश्वर सबको बढ़िया आशीष दे चुके हैं, उनकी उन्नति कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जैसे बुद्धि की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना क्या है। कल मैं जब सुबह प्रार्थना में बैठा तो बैठने से पहले मेरे मन में ऐसे बहुत से बातों को लेकर मेरे मन में बहुत से सवाल थे, परमेश्वर के काम को लेकर, कलीसिया को लेकर। तो मैंने कल सोचा कि मैं जब मैं बैठूंगा सुबह तो मैं सब बातें परमेश्वर से करूंगा। जैसे भजन संहिता 62:8 में भी लिखा है कि दाऊद कहता है कि अपने मन की बातें उसे खोल खोल करो। तो मैंने सोचा आज मैं सब ये बातें परमेश्वर से करूंगा। पर जब मैं सुबह बैठा तो मैं प्रार्थना करने लगा, तो अगर एक बात मेरे मुंह में आ रही तो दूसरी मैं बोल रहा हूँ, दूसरी कर रहा हूँ तो तीसरी बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं एकदम से मैंने बुद्धि की प्रार्थना बंद कर दी और मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा। और मैंने फिर 1 घंटा आत्मा से प्रार्थना की, और जब मैं 1 घंटा जब मैंने अन्य भाषा की, और उसके बाद मैं जैसे मैंने बुद्धि की प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर ने इतने पावरफुल शब्दों से मुझे यूज किया, इस्तेमाल किया, ऐसे बहुत सी बातें फिर मैंने परमेश्वर से वो की। और साथ में कुछ ऐसी बातें थी जो मैं कुछ महीने पहले मैंने परमेश्वर से मांगी थी, की थी, पर जब हुई नहीं तो मैं उन चीज़ों को भूल गया। कल वो भी बातें परमेश्वर ने मुझे रिमाइंड कराई, याद कराई। सबसे पहले तो मैंने परमेश्वर से सॉरी फील की कि परमेश्वर मुझे माफ़ करो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जैसे यशाया 55:6 में भी लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तो मैं ऐसे भूल गया, इसके बाद के लिए मैंने सॉरी फील की। और फिर से मैंने कल कहा कि परमेश्वर ठीक है, जिन बातों के लिए मैं धन्यवाद कर रहा था मैं फिर से उन बातों को धन्यवाद में रखूंगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जैसे फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है कि जो जैसे परमेश्वर ने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, जो तुम प्रार्थनाएं और विनती हम करते हैं परमेश्वर के सामने, वो धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सन्मुख को उपस्थित किए जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, उनको जब तक वो काम हो ना जाए आप धन्यवाद देते रहो। ये तो मैं आपको मैंने बताया कि ये बुद्धि की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना, अब हम इसे समझेंगे। बुद्धि और आत्मा की प्रार्थना का करने से हमें क्या लाभ है। सबसे पहले जैसे परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा क्यों दिया, क्योंकि बाइबल हमें ये भी बताती है कि शरीर निर्बल है, आत्मा निर्बल नहीं है, वो कमजोर नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो सहायक पवित्र आत्मा मेरे नाम से पिता भेजेगा, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। और आज हम जानते हैं कि वो आत्मा इस समय उपलब्ध है, क्योंकि हम सब अनुग्रह में चुने गए हैं। और जैसे हमने
जैसे रोमियो 10 की 9 का अंगीकार किया, यीशु को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता हमने ग्रहण किया, यीशु के नाम का हमने बपतिस्मा लिया है। तो इफिसियों की 13 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की शाप हम पर लग चुकी है, तो वो आत्मा भी हमारे अंदर है, इसलिए वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो सामर्थ का आत्मा है, तो वो हमारा सहायक भी है। इसलिए जैसे रोमियो 8 की 26 में लिखा है कि आत्मा हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है। जैसे कल जब मैं बुद्धि में प्रार्थना करने के लिए बैठा तो वो बुद्धि की प्रार्थना हो नहीं रही थी, पर बाद में जब मैं अन्य भाषा करने लगा, आत्मा में प्रार्थना करने लगा, जैसे 1 कुरिन्थियों 14:2 में प्रेरित पॉल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं, वो भेद की बातें परमेश्वर से करता है, और आत्मा हमारी कमजोरी में सहायता करता है। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है वो निर्बल नहीं है, वो कमजोर है। इसलिए मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि जैसे जब कोई इंसान प्रॉब्लम में हालात है उसके जीवन में, तो जब कुछ प्रॉब्लम हालात होती है, दुख होता, तो कई बार हमसे बुद्धि की प्रार्थना नहीं होती। जैसे डिप्रेशन कई बार बोझ आ जाता उस बात को लेकर, तो हम बुद्धि की प्रार्थना करने में हमारा मन नहीं लगता। पर इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, और वो आत्मा लिखा हमारी कमजोरी में सहायता करता है। जैसे 1 कुरिन्थियों 14:14-15 में लिखा है, प्रेरित पौल ने कहा कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है और मेरी बुद्धि काम नहीं करती। 15 में लिखा कि क्या करना चाहिए, हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए और बुद्धि में भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें आत्मा में से भी हम गाएं और बुद्धि से भी गाएं। इसलिए ये बुद्धि की प्रार्थना और आत्मा की प्रार्थना में ये अंतर है कि जैसे कई बार होता गया है कि बुद्धि की प्रार्थना कई बार हमसे होती नहीं, करने को मन नहीं करता। जैसे मैंने आज अभी पहले मैंने आपको बताया कि जब मैं कल सुबह बैठा तो मुझसे वो बुद्धि की प्रार्थना हो नहीं रही, पर जैसे मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा तो एकदम से ऐसे मुझे पावर मिली उस चीज से। और फिर मैं 1 घंटे के बाद जब मैं फिर से बुद्धि की प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने बहुत से शब्दों से ऐसे मुझे यूज किया, इस्तेमाल किया। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, और वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है। जैसे एफिसियों अंशे की 10वीं आत्मिक हथियारों के बारे पढ़ते हैं, और उसमें में से जैसे 18 में लिखा है कि हमें हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना चाहिए। ये एक हथियार है, ये भी एक आत्मा एक हथियार है। और इस प्रार्थना से मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस विषय को समझेंगे और इस रीति से वो परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जब भी उन्हें लगे कि बुद्धि में मुझसे प्रार्थना हो नहीं रही, और जब वो बैठेंगे और आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ने एक बल देगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वीडियो आज की शिक्षा के द्वारा जितने लोग आत्मा में प्रार्थना में करने में कमज़ोर हैं उन्हें परमेश्वर बड़ा बल दे चुका है, बड़ा उन्हें इस्तेमाल कर चुका है आज के इस विषय के द्वारा। परमेश्वर ने सबको बड़ी आशीष दे चुका है। तो इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का इससे धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को जितने भी देखें और इस रीति से वो प्रार्थना करें,
परमेश्वर के सब कामों में उन्हें सफलता दी। ओके, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत यीशु मसीह के नाम से दे चुके। आमीन।